हंसी भरे माहौल में मस्ती का महल सजाने आ रहे हैं हमारे कविराज केसर देव मारवाड़ी। लेट्स हियर फॉर हिम। इधर आपने लेडी सरपंच चुनी है? हाँ जी। क्या बात, हमारे गांव में भी लेडी सरपंच चुनी है, और ऐसी सुंदर अगर सरपंच हो तो हम तो निर्विरोध चुना दे। और ये मेरे साथी बैठे हैं, देखो क्या मुस्कुराते हुए। जैसे कागज की साइज होती है ना, ये A4 साइज, ये लीगल, ये बीच में इलीगल, और एक तो देखो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों एक साथ। ये अभी सौरभ जी कह रहे थे कोरोना काल में लोग सब निराश हुए, हताश हुए, राजस्थान का आदमी एकदम आशावादी। बोले यार लोग तो कह रहे थे हमारे करोड़ों का बिजनेस होता था, अब की बार 10 लाख बचे, 20 लाख बचे, आपके कितने बचे? बोले इस महामारी में हम बचे, इससे ज्यादा कमाई और क्या होगी। बहुत बड़ी। और शेखर सर, पानी का यूज जो राजस्थान का आदमी कर सकता है, दूसरा उतना बढ़िया जान भी नहीं सकता। हमारे तो अर्चना जी जो AC से पानी टपकता है उसे भी हम वाटर फिल्टर से जोड़ देते हैं। वाटर फिल्टर से जो वेस्टेज निकलता है उसे बाथरूम से जोड़ देते हैं, बाथरूम से जो वेस्टेज निकलता है उसे फर्श के पोछा लगाते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उसे गार्डन में छोड़ देते हैं। और इतनी रगड़ाई के बाद पानी जब भाप बन के उड़ जाता है और जब बादल बनता है तो फिर वो राजस्थान की तरफ मुंह ही नहीं करता। अच्छा, नेचर सबको दे रही थी, भारत में प्रकृति बंट रही, तो सबसे पहले ये UP MP के लोग आए, ये तीर्थ स्थान ले गए, हरियाणा पंजाब के लोग आए, खेती खलियान और पार्टीबाजी का सामान ले गए, फिर ये उड़ीसा आंध्रा के लोग आए, ये सी बीच और मठ ले गए, लास्ट बचा मारवाड़ी। अच्छा, भगवान बोले सॉरी, रेगिस्तान के अलावा अब कुछ नहीं है। मारवाड़ी बोला अरे भगवान आपका बनाया हुआ तो रेगिस्तान भी बेस्ट है, मेरे को तो ये दे दो। तो भगवान खुश ये बोले थे न खाने को कुछ न पीने को कुछ, तू एक वरदान मांग ले। मारवाड़ी बोला बस 2 रुपए कमाने की अक्कल दे दो, बाकी तो मैं इन सबको अपने आप हिसाब से। और शेखर सर, राजस्थान का आदमी तो इतनी आगे की सोचता है, अगर कोई मान लो लिफ्ट दे तो पंजाब का आदमी कहेगा ओ पाजी तेनु थैंक्स, गुजराती आदमी कहेगा मोटा भाई धन्यवाद, राजस्थान का आदमी उतरते ही कहेगा भाई जी कल भी ई टाइम ही मिलोगा के। और बिजनेस करने का तरीका तो मैं बताऊं एकदम अलग। वो एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था, पहले तरबूज के थपकी दी नीचे रख दिया, दूसरे तरबूज के थपकी दी फिर नीचे रख दिया, तीसरे तरबूज के थपकी देख के ग्राहक को पकड़ दिया, बोले ये ले जा बहुत बढ़िया, मेरी गारंटी है बढ़िया निकलेगा। जब वो गया तो पास खड़े आदमी ने पूछा एक बात बताओ भाई जी, आपको थपकी देने से कैसे पता चला है अंदर तरबूज कैसा है? बोले बापू जी बिजनेस करना सिखा गए थे। बोले कोई भी 2 तरबूज उठा के थपकी दे के रख दो, तीसरा पकड़ा दो अगला खो। इतने में वास्तव में एक ग्राहक ओड़मा लेके आया शिकायत की, बोले यार आप तो कह रहे थे मेरी गारंटी है लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, ये देखो आपकी दुकान से सुबह तरबूज ले गया था एकदम पिक्का एकदम सफेद, मारवाड़ी ने देखा पेट खराब करेगा, उससे तरबूज लिया साइड में रखा, बोले भाई जी ये तरबूज तू ले गया था क्या? ये तो स्पेशल तरबूज है शुगर फ्री वाला 500 रुपए का। जितने मारवाड़ी होशियार उतने भी छोरे छापरे उनके बच्चे भी होशियार। वो एक लड़का दवाई बेच रहा था कद बड़ा होने की, और खुद था अपने ये सौरभ के साइज का 5 फुट से नीचा। बोले ऊंटनी के दूध से बनी हुई दवा ले जाइए, अपना कद 1 से 1.5 फुट बढ़ाइए। वो पास में खड़ा आदमी उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए, जब ये ऊंटनी के दूध की दवा कद बढ़ाने के लिए इतनी फायदेमंद है तो तू खुद क्यों नहीं ले लेता, तेरी आई तेरी फाइल तो वर्षों से बंद है। वो बोला भाई जी कितनी लूं, मेरे बापूजी तो 3 फुट के ही थे। अच्छा मुझे याद है अर्चना जी, एक आदमी दुबई से मोटा माल कमा के लौटा, उसने कहा अब धंधा यहाँ करूंगा सबकी दुकान उठा दूंगा, उसने सुपर मार्केट बनाया, सुपर मार्केट में 50% डिस्काउंट। अच्छा, आधी से ज्यादा दुकानें बंद हो गई, एक राजस्थानी की दुकान बची, उसने भी 50% डिस्काउंट शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा मेरे से टक्कर लेता है, उसने 50% पर 50% डिस्काउंट। मारवाड़ी ने भी 10 दिन बाद 50% पर 50% डिस्काउंट। कंपटीशन चलता रहा, साल के लास्ट में हिसाब हुआ, उस सुपर मार्केट के 50 करोड़ का घाटा। उसने मारवाड़ी से पूछा तेरे कितना घाटा हुआ? वो बोला मेरे काय का घाटा हुआ, मैं तो तेरी दुकान से ही माल ला के बेचता था। अच्छा उसके ये सिस्टम बाहर नहीं पड़ा तो उसने कहा इसको किसी से पिटवाते हैं, तो उसने थानेदार को सेट किया, थानेदार को 50,000 रुपए दिए, थानेदार ने मारवाड़ी को लाके लॉकअप में बंद कर दिया, झूठे मामले में एक सिपाही को लगा दिया, बोले रात को इसकी ठुकाई होनी है।
50,000 में मामला सेट। मारवाड़ी ने उस सिपाही को सेट किया रात में, उसको 2,000 रुपए दिए। तो सिपाही बोला, देखो थानेदार होशियार है, ध्यान रखता है, पर मैं एक काम करूंगा, ये बेल्ट तो मारूंगा दीवार के और तुम जोर से चिल्लाना, अरे बाप रे मार दिया, अरे बाप रे मार दिया। मारवाड़ी ने 1-2 हजार का नोट और निकाल करके उसको दिया। बोले देख रात भर दीवार के भी तू ही मारेगा और अरे बाप रे भी तू ही करेगा। सुगंधा जी, हम तो एक लाइन में ही जो बात समझानी होती है वो समझा देते हैं। तो एक मारवाड़ी शादी होने के तुरंत बाद कमाने खाने जा रहा था, तो उसकी वाइफ ने उसको रोका, बोले इतनी जल्दी जा रहे हो, मुझे प्यार कौन करेगा तू राजस्थानी में। उसने कहा परदेसा मत जाओ भंवर जी। भंवर जी का मतलब हस्बैंड होता है आजकल, जिसे आप लोग सोना बाबू कहते हैं। बोले परदेसा मत जाओ भंवर जी, कौन मेरा लाड लड़ावेगा। बोले लाड तो अपने आप लड़ेगा, गोरी जद घर में पैसा आवेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।